गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ निकिता पुरवाल फ्रॉम द वर्धमान कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है बायस। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट है ये, फिर इंग्लिश का है। तो इंग्लिश का हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बायस नेस्ट, यानी कि बाया का घोंसला। तो बाया कौन है यहाँ पे? बाया जो गौरैया होती है, चिड़िया होती है छोटी, उसको कहते हैं ना। तो उसके नेस्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये जो आपका चैप्टर है, कौन सी बुक का है आपका? जेलीफिश का है। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम दे रखा है बायाज नेस्ट। नेस्ट यानी घोंसला, यानी बाया का घोंसला, यानी गौरैया का घोंसला। वंस अपॉन अ टाइम अ वुड पैकर एंड अ बाया वर गोइंग टुगेदर ऑन अ जर्नी। यानी कि एक बार की बात है कि एक वुड पैकर इसको बोलते हैं, जो कटार आपने सुना होगा ना, जो ऐसे एक पक्षी होता है जो पेड़ पर बैठता है तो वो लकड़ी काटता है, वो वुड पैकर, लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा जिसको कहते हैं वो। एंड अ बाया यानी ये गौरैया वर गोइंग टुगेदर ऑन अ जर्नी, दोनों साथ साथ में क्या है, एक जर्नी पर यानी एक यात्रा पर जा रहे थे। दे फ्ली वूल ऑफ द डे, दे यानी कि वे जो है वो पूरे दिन उड़े थे। हमारे पक्षी उड़ते ही ना, तो दोनों यात्रा पे गए थे, दोनों क्या है पूरे दिन उड़े थे। एट इवनिंग दे वर टायर्ड एंड फाउंड अ ट्री टू रेस्ट। शाम होते होते क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा थक गए और फिर उन्होंने क्या सोचा कि हमको रेस्ट करनी होगी, तो उनको क्या है एक पेड़ मिल गया, क्या के लिए, रेस्ट करने के लिए यानी आराम करने के लिए। बोथ ऑफ देम इमिडिएटली स्टार्ट टू बिल्ड अ सेफ प्लेस टू स्पेंड। और फिर क्या हुआ, जैसे पेड़ मिला उन्होंने, आपने देखा है ना चिड़िया घोंसला बना के देती है, तो उन्होंने क्या करा, अब रुकना था उनको रात वहीं पे, तो उन्होंने क्या करा, जल्दी जल्दी क्या करा, एक सेफ प्लेस बनाने के स्टार्ट कर दिया, यानी कि एक घोंसला बनाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको रात वहीं रुकनी थी, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम इमिडिएटली स्टार्ट टू बिल्ड अ सेफ प्लेस टू स्पेंड, यानी कि क्या है, दोनों ने क्या करा, जल्दी जल्दी क्या करना, एक सेफ प्लेस बनाने का शुरू किया, ठीक है, बिल्ड अ सेफ प्लेस। क्योंकि मैंने बताया कि उन्होंने क्या करा, एक सेफ प्लेस बनाना स्टार्ट करा, स्पेंड अ नाइट, क्योंकि उनको रात वहीं रुकनी थी, तो उन्होंने क्या करा, एक सेफ प्लेस बनाना स्टार्ट करी जिससे वो रात में वहीं रुक सके। वुड पैकर वेंट टेप टेप टैपिंग। आपको बताया मैंने कि वुड पैकर जो है यानी लकड़हारा जो होता है, लकड़ियाँ काटने का काम करता है, वो लकड़ी पर बैठ जाता है तो उसको काटता है। तो उन्होंने क्या, उसने क्या करा, वुड पैकर ने टैप टैप टैपिंग करते हुए क्या करा, एक मेकिंग अ राउंड होल इन द ट्रंक ऑफ द ट्री, यानी कि ट्री की जो शाखा होती है, ट्री की जो ट्रंक होती है ना, अपन कहते हैं ना ट्री में ट्रंक होती है, ट्री यानी जो उसकी डालियाँ होती हैं, उसमें उसने क्या करा, टैप टैप टैपिंग करते हुए क्या करा, एक गोल होल बना दिया, होल यानी छेद बना दिया, ठीक है, ट्रंक ऑफ द ट्री यानी ट्री की डालियों पर, ट्री की डालियों पर। बायर सर्च फॉर अ ग्रास एंड वो देम इन एंड आउट। क्या करा, जो बाया थी हमारी गौरैया थी, उसने क्या करा, घास ढूंढना शुरू किया और उसको क्या करा, घास घोंसला जो उन्होंने सेफ प्लेस बनाई थी उसके बाहर और अंदर उसने क्या करा, उसको डाल दिया, ठीक है। आउट टू मेक अ संग नेस्ट, यानी कि क्या करा उसने, बाहर और अंदर क्या करा, घोंसले के अंदर घास डाल दी, जिससे क्या वो घोंसला जो बन सके वो रहने लायक, आराम लायक और गर्म बन सके, इसलिए उसने क्या किया, घास डाल दी। आपने देखा होगा ना चिड़िया का घोंसला, उसमें बहुत सारी घास वगैरह ही रख के बनाती है वो। तो इस तरह से बाया ने क्या करा, अपने नेस्ट में आगे और बाहर क्या कर दी, घास डाल दी। व्हेन दे प्रिपेयर्ड नेस्ट, जब वह क्या कर रहे थे, नेस्ट यानी घोंसला बना रहे थे, ठीक है, मैंने बताया ना वो, तो व्हेन दे प्रिपेयर्ड नेस्ट, जब उनका घोंसला बन गया, दे टुक रेस्ट इन देयर नेस्ट, जब से उनका घोंसला बन गया उन्होंने क्या करा, उनके जो नेस्ट था यानी उनका जो घोंसला था उसमें उन्होंने क्या करा, आराम करा। एट मिडनाइट सडनली अ टेरिबल स्टॉर्म अरोज, जैसे ही रात हुई, बिल्कुल बीच रात में क्या हो गया, एकदम से एक टेरिबल स्टॉर्म अरोज, यानी कि क्या हो गया, एक बहुत डरावना क्या आ गया, तूफान आ गया। द वाइन रोड बैंडिंग ट्रीज एंड स्नैपिंग ऑफ, या क्या करा, जो हवाएं थी वो बहुत जोर जोर से चल रही थी, वो हवाएं आपने देखा होगा ना, कभी बहुत ज़्यादा तूफान आता है यानी आंधी आती है, तो बहुत ज़्यादा हवाएं कितनी तेज़ी से चलने लगती है, तो वैसे ही उनके साथ हुआ कि जो हवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा जोर से चलने लगी। ट्री जो है, हमने देखा है अगर हवाएं चलती है तो ट्री इधर उधर मुड़ने लगते हैं, तो ट्री भी क्या हो गए, झुक गए थे पूरे, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ा, बेंडिंग ट्रीज एंड स्नैपिंग ऑफ ब्रांचेस, यानी कि क्या, कुछ ब्रांचेस जो है वो क्या हो गई, टूट भी गई। हैवी रेन बिगन, यानी बहुत
जोर से क्या होने लगी, बारिश होने लगी। रेन यानी बारिश होना है, तो हैवी रेन बिगन, बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई। बायर्स नेस्ट वॉज ब्लोन अवे बाय अ स्टॉर्म, गस्ट ऑफ वाइन। अब जैसे ही क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हवा चलने लगी, तो जो बाया ने अपना घर बनाया था ना, वो एकदम से क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि बहुत जोर से हवा चली थी, तो एकदम से क्या हो गया, जो घर था बाया का यानी बाया का जो घोंसला था वो क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, गस्ट ऑफ वाइन किस वजह से टूटा था, हवा की प्रहार की वजह से। बाया बिगन, अब जैसे ही बाया का घोंसला टूट गया, तो बाया ने क्या करा, टुकराए। बाया क्या लगी, रोने लगी। जैसे ही घोंसला टूटा, बाया क्या करने लगी, रोने लगी। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वेयर ही शुड गो टू बी सेफ फ्रॉम द स्टॉर्म। अब वो क्या है, बीच में क्या आंधी तूफान आ रहे थे, अब एकदम से क्या हो गया, उसका घर टूट गया, तो अब वो जाए कहाँ पे, ये सोच के क्या लगी, वो रोने लगी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। ठीक है, क्योंकि उसको स्टॉर्म से बचना था, अगर वो बाहर रहती ऐसी ठंडी हवाओं में और इतनी जोर के तूफान में, तो उसको क्या है, सेफ फील नहीं हो रहा था, इसलिए वो सोचने लगी। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे इस स्टॉर्म से, यानी इस तरह के तूफान से बचने के लिए। ही वॉज ऑल्सो ट्रेम्बलिंग विथ फियर एंड शिवरिंग विथ कॉल्ड। क्या हो गया, वो डर से बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, डर गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा कांपने लगी थी, और क्या हो गई, ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी, इसकी वजह से भी क्या लगी थी, शिवर करने लगी थी, यानी ठठराने लगी थी, कांपने लगी थी। एट वंस ही रिमेंबर्ड हिज फ्रेंड, और फिर उसको ध्यान आया कि वो अकेली थोड़ी थी, उसमें उसके साथ कौन था, उसका फ्रेंड भी था, कौन था, वुडपेकर था। ही थॉट ही वुड लेट हिम स्पेंड द नाइट इन हिज नेस्ट। उन्होंने क्या करा, अपने अपने लिए दो, मतलब वुडपेकर ने तैयार किए थे, दो नेस्ट बनाए थे उन्होंने अपने अपने दोनों के लिए, तो उसने क्या सोचा कि चलो मेरा घर जो टूट गया है वो तो ठीक, पर मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ है, तो वो मेरे को क्या करेगा, उसके घर में रुकने की परमिशन देगा, है ना। एट नाइट हिज फ्रेंड ट्रंक ऑफ हिज ट्री, तो वो उसके साथ रुकने की परमिशन देगा। ही रीच्ड एट हिज नेस्ट विथ होप विथ इन हिज हार्ट। अब क्या है, जैसे उसको आशा थी कि उसका फ्रेंड क्या उसकी हेल्प कर देगा, तो वो क्या करा, उसने उसके पास गई वो। द वुड पेकर विल गिव हिम परमिशन टू स्टे इन हिज नेस्ट। और जैसे उसने बोला कि ऐसा ऐसा हो गया, मेरा नेस्ट टूट गया है, अब मैं कहाँ जाऊँ, ऐसा करके, तो वुड पेकर, उसको लगा कि ऐसा वो बताएगी तो वुड पेकर क्या करेगा, उसको रुकने की परमिशन दे देगा। ठीक है, ही टैप ऑन द वुड, उसने क्या करा, जैसे ही वो उसके नेक्स्ट पास पहुंची, उसने क्या करा, टैप किया, बजाया। हु इज देयर, आज वुड पेकर, जैसे उसे हम जाते हैं कहीं पे तो डोर बजाते हैं ना बाहर से, तो अंदर वाला पूछता है कौन है बाहर, तो ऐसे ही वुड पेकर के घोंसले के पास जाके उसने टैप टैप किया, तो वुड पेकर ने पूछा हु इज देयर, कौन है वहाँ पर। ही ओपन द डोर टू द होल एंड पियर इन टू द नाइट, उसने क्या करा, जैसे ही गया उसके बाद क्या करा, उसने क्या करा, जो बाया थी उसने क्या करा, डोर खोला, जो कि हॉल में बना हुआ था उनका घोंसला, तो डोर खोला और क्या करा, अंदर झाँका। ठीक है, और बोला इट्स मी योर फ्रेंड बाया, मैं हूँ, ये मैं हूँ, कौन, तुम्हारी फ्रेंड बाया। द स्टॉर्म हैज़ ब्लोन माई नेस्ट अवे, जो स्टॉर्म है, जो तूफान आया, उसकी वजह से मेरा जो घोंसला है वो क्या हो गया, उड़ गया है। आई एम वेट एंड शिवरिंग विथ कोल्ड, मैं क्या हूँ, गीली हो गई हूँ, क्योंकि बारिश भी होने लगी थी, तो मैं गीली भी हो गई हूँ, शिवरिंग विथ कोल्ड, और मैं थरथरा रही हूँ, कांप रही हूँ, किस वजह से, ठंड की वजह से। विल यू लेट मी शेयर योर नेस्ट, क्या तुम मुझे अपने साथ, मतलब तुम्हारे साथ घोंसले में रखोगे, क्या तुम्हारा जो घोंसला है वो मेरे साथ शेयर करोगे। वुड पेकर शुड एंग्रीली, वुड पेकर क्या हो गया, उसने मना कर दिया सीधे। वुड पेकर ने क्या बोला, नो आई वुड नॉट, नहीं मैं नहीं रखूँगा तुम्हें। वाई शुड आई, क्यों रखूँ मैं तुमको, अपन कह रहे थे ना, आप भी तो कह रहे थे आपके फ्रेंड को, कभी आपके फ्रेंड हेल्प मांगते कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा, तो ऐसे ही वो क्या है, उसको भी वुड पेकर ने सीधे मना कर दिया, नो आई वुड नॉट, मैं नहीं करूँगा। वाई आई शुड आई, क्यों मैं क्यों करूँ, If I let you come in, I will have to let anyone come in who's wet and cold. और वो क्या कह देता है कि नहीं मैं तो तुमको नहीं रखूँगा, क्यों रखूँ मैं तुमको, अगर मैं तुमको रखूँगा तो ऐसे ही क्या है, कोई भी ऐसे ही गीला हो गया और ठंड में आ जाएगा मेरे पास, मुझे सबको रखना पड़ेगा। वो क्या कहता है, आई विल हैव टू लेट एनी वन कम इन हुज वेट एंड कोल्ड, यानी कि ऐसे तो मेरे को जो भी गीला होके आएगा उन सबको अंदर रखना पड़ेगा। बिसाइड देयर इज नो प्लेस इन माई नेस्ट फॉर बर्ड्स हु डोंट नो हाउ टू बिल्ड अ नेस्ट, और वो गुस्से में क्या कह देता है
मेरे घोंसले में किसी भी ऐसे पक्षी के लिए जगह नहीं है जिसको यही नहीं पता है कि घोंसला कैसे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बाया का घोंसला टूट गया था तूफान की वजह से, तो वो उसको चिढ़ाने के लिए क्या बोलता है कि नहीं मेरे घोंसले में ऐसे किसी भी इंसान के लिए जगह नहीं है, यानी किसी पक्षी के लिए जगह नहीं है जिसके पास, जिसको क्या है घोंसला बनाना ही नहीं आता हो। लर्न टू बिल्ड योर नेस्ट, और उसको क्या कह देता है बाया को वुडपेकर कि नहीं तुम तो जाओ तुम्हारा घोंसला बनाना सीखो पहले, घोंसला बनाना आता होता ढंग से तो तुम्हारा घोंसला टूटता ही नहीं। ऐसा करके वो क्या कह रहा है लर्न टू बिल्ड योर नेस्ट, जाओ तुम तुम्हारा घोंसला बनाना सीखो पहले। पुअर बाया बिकम वेरी सैड टू हियर सच हैरेस वर्ड ऑफ वुडपेकर। जो बाया थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में थी, मतलब अभी उसके पास कुछ नहीं था, ठंड से कांप रही थी वो, बारिश में गीला हो रही थी। तो पुअर बाया बिकम वेरी सैड, जैसे उसने ये सब सुना उसके फ्रेंड की तरफ से तो वो क्या हो गई बहुत ज़्यादा दुखी हो गई इस तरह के वर्ड सुनकर, किससे वुडपेकर से, उसके फ्रेंड से। द स्टॉर्म रेज्ड ऑल अराउंड हिम, जो स्टॉर्म था यानी जो तूफान आया था वो और क्या हो गया और आसपास की जितनी भी चीज़ें थी उसकी सब उसे तबाह कर दी थी। ही मूव्ड स्लोली टिल ही फाउंड अ होल लो इन द ट्रंक ऑफ द ट्री, जैसे ही क्या हो गया वो आगे बढ़ी, जैसे अब उसके वुडपेकर ने तो मना कर दिया था, वो जैसे आगे बढ़ी तो उसको ट्री में एक होलो दिखा यानी हॉल दिखा। ही क्रेप्ट इन, वो क्या हो गई उसके अंदर चली गई और स्टेड देयर टिल द स्टॉर्म ब्लू ओवर, और तब तक वहाँ रुकी जब तक कि जो स्टॉर्म था जो तूफान था वो ख़त्म नहीं हो गया। ही कुड नॉट स्लीप ओवर नाइट, वो क्या इतना स्टॉर्म आ रहा था इस वजह से क्या पूरी रात भर सो ही नहीं पाई थी। थॉट अबाउट हिज नेस्ट, और बार बार उसके जो घोंसला था उसके बारे में ही सोचती रही, उसके नेस्ट के बारे में ही सोचती रही। द नेक्स्ट मॉर्निंग बायर्स वॉट टू बिल्ड अन नेस्ट सो स्ट्रॉन्ग देन इवन आफ्टर ही मूव्ड अवे टू अनदर नेस्ट। अब क्या है जैसे ही सुबह हुई दूसरी मॉर्निंग हुई बाया ने क्या करा सोच लिया कि वो क्या करेगी एक इतना मजबूत घोंसला बनाएगी इतना स्ट्रॉन्ग इवन आफ्टर ही मूव, यहाँ तक कि वो जाने से पहले इतना 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 स्ट्रॉन्ग घोंसला बनाएगी कि अगर वो चली भी जाती, क्योंकि वो वहाँ पे तो घूमते हुए आए थे क्योंकि उनको तो वहाँ रुकना ही था, तो उसने इतना सोचा कि अगर मैं इतना मजबूत घोंसला बनाऊँगी कि यहाँ तो ठीक मैं तो रहूँ, अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो मेरे बाद भी जो पक्षियाँ रहेगा वो भी क्या है आराम से यहाँ पर रह पाया जा। इट कुड बी यूज बाय अदर बर्ड्स, अगर मैं नहीं रहती हूँ तो ये दूसरे पक्षियों के लिए यूजफुल होगा। फॉर दिस ही फाउंड अ स्टडी ब्रांच विच माइट बेंट विद द वाइंड, अब क्या है उसने क्या करा इसके लिए क्या करा घोंसला बनाना था उसको, तो उसने ऐसी कुछ ब्रांचेज यानी ऐसी कुछ शाखाएं ढूंढी जिस जो क्या है हवा के बहने के साथ मुड़ जाए पर टूटे नहीं, ऐसी उसने क्या करी शाखाएं ढूंढी यानी कि ब्रांचेज ढूंढी। फॉर दिस ही फाउंड अ स्टर्डी ब्रांचेस, यानी इसके लिए मैंने बताया आपको किसके लिए क्या करी उसने ऐसी ब्रांचेस चुनी थी जो हवा के साथ मोड़ तो जाए पर टूटे नहीं। सेकेंडली ही टॉर ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रास, और साथ में उसने क्या करा लंबी लंबी घासें लेके आई जो घास जो है मजबूत भी रहे और लंबी रहे जिससे क्या है वो उसके घोंसले को बांध भी सके और अगर टांगना पड़े ट्री से अगर शाखाओं से बांधना पड़े तो बांध भी पाए। यूजिंग ही सब किसकी सहायता से उसकी चोंच की सहायता से तोड़ के लई वो घास। ही केयरफुली वोव दी अराउंड द ब्रांचेस टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग रॉक फ्रॉम विच हिज नेस्ट वुड हैंग, और उसने क्या करा उन ब्रांचेस में जो घास थी उसको केयरफुली लगाया जिससे क्या है वो आसानी से अपने घोंसले को टांग सके। इन दिस वे इसी कड़ी में इट वुड सेव इन द स्टॉर्म वाइंड्स, यानी क्या है इससे क्या होगा अगर मजबूत हो घोंसला बन जाएगा तो उसको क्या कहेगा अगर कितने भी जोर से हवा चलेगी कितनी भी ठंडी हवा चलेगी उसका घोंसला नहीं टूटेगा। बट इट वुड स्टे बी अटैच्ड टू द ब्रांच, हाँ तो वही उसने इतनी मजबूती से बांध दिया उसको कि अगर कितनी भी जोर से हवा चले उसका जो घोंसला है वो क्या करे ब्रांचेज यानी जो शाखाएं हैं पेड़ की उससे क्या है मजबूती से बंधी रहे। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत कठिन मेहनत की फ्लाइंग ऑफ टाइम एंड अगेन टू सर्च ग्रास देन ही कुड यूज, और क्या है जैसे उसका काम खत्म होता फिर से वो चली जाती घास ढूंढने मजबूत घास जिससे क्या है फिर से वो उसके घोंसले को बांध सके, इसलिए इस तरह से उसने क्या करा बहुत स्ट्रॉन्ग घोंसला बना लिया। ही स्पेंड हावर्स, उसने बहुत घंटे मेहनत की नॉटिंग द ग्रास टाइटली, और जो घास थी उसको क्या करा उसने बहुत टाइटली बांध दिया। आफ्टर डेट ही स्टिच देम टुगेदर टू फॉर्म अ वॉल ऑफ हिज नेक्स्ट, और क्या करा फिर उसने क्या करा जैसे ही घासों को बांधा उसके बाद क्या करा एक तरह से दीवार बनाना स्टार्ट करी घोंसले की। टू सी हिज वर्क
ही फील हैप्पी चीरिंग टू हिमसेल्फ। वो क्या है, इसके काम को, जैसे उसका काम बनना स्टार्ट करा, घसला थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट करा, वो उसके काम को देख के बहुत खुश हुई। चीपिंग टू हिमसेल्फ, और उसके खुद को ही लेकर वो चिड़िया कहते हैं चू चू, वो चीपिंग करने लगी। ही न्यू वेरी वेल डेट हीज नेस्ट वुड होल्ड आउट इन द वर्स्ट वेदर, और वो जानती थी, वो इतना श्योर थी कि उसने इतना अच्छा नेस्ट बनाया कि अगर सेकेंड टाइम अगर स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो उसका जो घोंसला है वो हमेशा बना ही रहेगा। जैसा कि वो जानती थी कि उसका जो कितना भी जोर से स्टॉर्म आएगा वो क्या होगा, उसका घोंसला टूटे ही नहीं गा। ही इज नेक्स्ट लुक लाइक अ लॉन्ग स्टेम्प्ड जार, उसका जो नेक्स्ट है वो क्या है, एक तरह से जार की तरह दिख रहा था। ये देख रहे हो ना आप, ये इसका नेक्स्ट दिख रहा है ना, तो एक तरह से क्या आ गया, एक तरह से जार की तरह दिख रहा था। हैंगिंग अपसाइड, ऐसा लग रहा है कि कोई जार है जो उल्टा टांग दिया हो, इस तरह से उसका क्या लग रहा था, घोंसला इस तरह से लग रहा था, हैंगिंग अपसाइड डाउन। ठीक है, एट द एंड ही प्लास्टर्ड द आउटसाइड ऑफ द नेस्ट। अब उसने क्या करा, इतनी मेहनत करी कि उसने घोंसले के बाहरी जो चीज़ें होती ना, जैसे हम कहते हैं ना दीवारों को पेंट करते हैं, ऐसे उसने क्या करा, प्लास्टर लगाया उसके नेस्ट पे विद द क्ले एंड मड। किस तरह से, आपने देखा हो ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्ले और मड से उनकी दीवार लीपते हैं, मतलब बाहर दीवार पे, उस तरह से दीवार पे क्ले और मड डाल देते हैं। ऐसे ही क्या, उसने भी क्या करा, क्ले यानी कि मिट्टी और मड यानी कीचड़ से क्या करा, उसने दीवारों को लेप दिया, सो डेट इट वुड बी स्टे स्ट्रॉन्ग, जिससे क्या है वो स्ट्रॉन्ग बनी रहे। आपने देखा होगा बहुत से लोग करते हैं दीवारों पे मिट्टी वगैरह लगाते हैं, जिससे क्या है दीवारें मजबूत बनी रहे। तो ऐसे उसने भी क्या करा, क्ले और मड से उसकी दीवार को लीप दिया, जिससे क्या करा, लेप कर दिया उसे, जिससे कि उसकी दीवारें मजबूत बन सके। लुकिंग एट हिज हार्ड वर्क, उसके वर्क को देख के, उसके काम को देखते हुए, ही सेंग अ सॉन्ग चिरपिंग चिट 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 स्वीटली, उसने क्या करा, जैसे उसका हार्ड वर्क देखते हुए वो खुद बहुत खुश हुई। और क्या है, चिड़िया कहती है ना चीट चिट ची 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 करती है, ऐसे उसने क्या करा, इस तरह से गाना स्टार्ट करा। चिल्ड्रन यू माइट हैव सीन द नेस्ट ऑफ बायर्स, आपने देखा ना, आपने देखा है कभी बाया का घोंसला, देखा होगा कहीं, अगर पेड़ पे कभी देखा हो या किसी चिड़िया वगैरह का घोंसला देखा होगा ना, इट इज़ ब्यूटीफुल एंड क्लीन ऑन द आउटसाइड, वो क्या है बहुत ज़्यादा साफ दिखता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लीन दिखता है कहाँ पे, बाहर से, एंड संग एंड कोजी इन द इनसाइड, और बहुत ज़्यादा क्या हो गया था संग, और अंदर से क्या होता है, बहुत ज़्यादा संग एंड कोजी होता है यानी बहुत ज़्यादा साफ होता है, जस्ट लाइक अ मेन्स हाउस, जैसे हमारा घर होता है इस तरह से। नो वन नो हु टॉट बाया टू बिल्ड सच इज अमेजिंग हाउस, हमको पता है, हमने सिखाया है क्या चिड़िया को कि आप इस तरह से घोंसला बनाओ, उनको खुद को आता है उनका घर बनाना, है ना। आपने देखा अगर चिड़िया रहती है तो उसका घर कौन बनाता है, वो खुद ही बनाती है ना, तो हमने इसे किसी ने भी नहीं सिखाया उनको कि इस तरह से आप इतना अमेजिंग हाउस बनाओ। बट एवरीवन एग्रीज दैट इट इज़ ओनली द व्यूअर क्वालिटी डेट इज़ द बायर्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ व्यूअर वर्ड, क्या है यही है कि एक क्वालिटी होती है बाया में कि क्या करती है, वो खुद का घर बना सकती है, व्यूअर यानी बिल्डर की तरह काम कर सकती है, वो उसका घर खुद बना रही थी। वो क्वालिटी किस में होती है, बाया में यानी हो रही है चिड़िया में होती है, जिससे क्या होती है वो अपना घर बना सकती है। इस वजह से बाया को क्या कहते हैं, चिड़िया को क्या कहते हैं, व्यूअर बर्ड भी कहा जाता है, इसलिए बाया को क्या कहा जाता है, व्यूअर बर्ड कहा जाता है। ठीक है, इस वजह से हमारा क्या हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, और अब इसके जो सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।